नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम एक अलार्म सर्किट बनाएंगे, जिस अलार्म सर्किट को हम ऑफिस, फैक्ट्री, कंपनी या फिर अपने घर पर भी यूज करते हैं, जिसको हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। मतलब कि इसका एक स्विच को प्रेस करेंगे तो अलार्म ऑन हो जाता है, और वो हम इमरजेंसी में प्रेस करते हैं, और दूसरे स्विच को प्रेस करते हैं अलार्म ऑफ हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इसको बनाएंगे और ये भी सीखेंगे कि ये सर्किट काम कैसे करता है, इसका सर्किट डायग्राम भी देखेंगे। तो उससे पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं जब भी कुछ नया नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफाई हो जाए। तो फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए 555 टाइमर आइस, ये 555 का है, और दो पुश बटन जो कि अलार्म को ऑन करेगा और एक अलार्म को ऑफ करेगा, एक बोजर और एक एलईडी जो कि हमें इंडिकेट करेगा, और एक 1K का एक रजिस्टर, और 2K का सॉरी 10K का दो रजिस्टर। चलिए अब इसको बनाते हैं। बनाने के लिए हम लेते हैं एक ब्रेडबोर्ड, इसके ऊपर हम इसका डिजाइन करेंगे। तो हम लेते हैं 555 का आइस, उसको हम इसके ऊपर सेट करते हैं, और ये जो 555 का आइस है इसका एक पिन होता है, ये रहा उसका एक नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इस पिन का जो 8 नंबर का पिन है उसे हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, और जो 1 नंबर का पिन है उसे हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं। तो अब हम इसके पिन नंबर 8 को पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं, और इसके पिन नंबर 1 को हम नेगेटिव में कनेक्ट करते हैं। ये हो गया, अब इसको हमने सप्लाई प्रोवाइड कर दिया है। तो हम लेते हैं दो 10K का रजिस्टर, एक 10K रजिस्टर को लगाते हुए पॉजिटिव से हम एक स्विच को लगाएंगे, नेगेटिव से लेकर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। दूसरा 10K लेते हैं, उसी तरह इसे भी इसका एक पॉइंट पॉजिटिव में डालते हैं, दूसरा पॉइंट पुश बटन से होते हुए नेगेटिव में जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो पॉजिटिव सप्लाई आता है, अगर हम स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो सप्लाई हाई होता है, जब भी हम प्रेस करेंगे तो वो लो हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक लेकर पिन नंबर 4 में कनेक्ट करते हैं, और दूसरे से लेकर के हम पिन नंबर 2 में कनेक्ट करते हैं, और इस आइस का जो 6 नंबर पिन है उसको हम नेगेटिव में कनेक्ट कर देते हैं। अब हम लेंगे एक बोजर, बोजर का दो पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो बोजर का जो पॉजिटिव है उसको हम आइस के पिन नंबर 3 में कनेक्ट कर देते हैं, और बोजर का जो नेगेटिव है उसको हम सप्लाई के नेगेटिव में कनेक्ट कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा अलार्म सिस्टम। अब हम इसको एक इंडिकेटर सिस्टम लेंगे, उसके लिए लेंगे हम एलईडी। एलईडी का दो पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एलईडी का जो पॉजिटिव है उसमें हम एक 1K का रजिस्टर लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 3 में जो कि आगे लगा हुआ है इस बोजर के पॉजिटिव में, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो नेगेटिव है एलईडी का, उसको हम सप्लाई के नेगेटिव में कनेक्ट करते हैं। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको सप्लाई देंगे। यह हमने लिया है 12 वोल्ट का सप्लाई, आप यहाँ पर चाहे तो 9 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, दे दिया पॉजिटिव और यहाँ पर दे दिया हमने नेगेटिव। तो इस सर्किट को टेस्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्किट आखिर कैसे करता है। तो उसके लिए हम देखेंगे अपना सर्किट डायग्राम। तो ये रहा सर्किट डायग्राम, ये देखिए, ये जो आइस है 555 का वो ये रहा, ये 555 का एक टाइमर आइस, इसका 8 पिन होता है, इसका 8 नंबर का पिन को हमने दे दिया पॉजिटिव, 1 नंबर को हमने दे दिया नेगेटिव, और 3 नंबर से हम आउटपुट लेंगे। और हमने यहाँ पर दो स्विच यूज किया है, एक सेट के लिए और रिसेट के लिए। जब भी हम स्विच 1 को प्रेस करेंगे तो अलार्म ऑन हो जाएगा, और जब हम स्विच 2 को प्रेस करेंगे तब अलार्म ऑफ हो जाएगा। चलिए अब ये समझते हैं कि सर्किट ऐसे कैसे काम करता है। तो इस सर्किट, तो ये जो आइस है इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है, मतलब कि जब ये 2 नंबर पिन लो हो जाएगा तब ये 3 नंबर पिन हाई होगा, अगर 2 नंबर पिन हाई हो गया तो ये 3 नंबर पिन लो हो जाएगा।
और अगर एक बार ये पिन लो हो जाए और लो होने के बाद ये हाई भी हो जाए तो ये तीन नंबर पिन हाई ही रहेगा। अगर इस तीन नंबर पिन को हमें फिर से लो करना है तो ये जो चार नंबर पिन है ये होता है रिसेट पिन। अगर हमने चार नंबर पिन को लो कर दिया, लो करेंगे तो ये तीन नंबर पिन लो हो जाएगा। मतलब कि जब ये चार नंबर पिन लो होगा तो तीन नंबर पिन लो होगा, और जब ये दो नंबर पिन लो होगा तो तीन नंबर पिन हाई होगा। तो उसी तरह से तो अभी ये जो 10K रजिस्टर लगा हुआ है दो नंबर पिन में, तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है, मतलब कि दो नंबर पिन अभी हाई है। हाई होने के बाद तीन नंबर हमें लो मिल रहा है, तो अभी अलार्म ऑफ है। जब भी हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो ये जो पॉइंट हाई होता है यह प्रेस करने के बाद ये लो हो जाता है। लो होने के बाद ये अब लो हो गया। लो होने के बाद ये तीन नंबर पिन अब हाई हो जाता है। हाई होने के बाद यहाँ पर सप्लाई आता है तो ये LED जलने लगता है और बोझल बजने लगता है। ये हाई होने के बाद अब हम चाहते हैं कि अलार्म को ऑफ करेंगे, तो ये चार नंबर पिन को हमें लो करना होगा। तो हम इस स्विच को प्रेस करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई है तो नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर आता है। आने के बाद ये पिन अब लो हो गया। ये लो होने के बाद तीन नंबर पिन भी लो हो जाता है। तो इसी तरह ये सर्किट काम करता है। तो चलिए अब हम सर्किट को टेस्ट करते हैं। सर्किट को सप्लाई देंगे, देने के बाद यह है सेट पिन, यह है रिसेट पिन, मतलब कि इस स्विच से अलार्म ऑन होगा, इस स्विच से अलार्म ऑफ होगा। तो अब इसको प्रेस करते हैं, अलार्म ऑन हो गया, मतलब कि दो नंबर का पिन जो है वो अब लो हो गया है, उसी की वजह से तीन नंबर का पिन हाई हो गया, तो अलार्म अभी ऑन है। और हम अब इस स्विच को प्रेस करेंगे तो चार नंबर पिन लो हो जाता है। लो होने के बाद तीन नंबर पिन ही लो हो गया, तो अलार्म ऑफ हो गया। फिर से हम इसको प्रेस करेंगे तो अलार्म ऑन हो जाता है। इसको प्रेस करने से ऑफ, ऑन, ऑफ।